Save environment. Save life. Save environment. Save life. And push Delhi Yale. One push. And push Delhi Yale. One push. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, अगर बात करें, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में आज एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस दिन को बड़े ही अहमियत के साथ मनाया जा रहा है। जी नाज़रीन, आपको बात करें कि ज़िला गांधरबल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल ने इस दिन को एक अलग तरीके से मनाया है और उसकी काफ़ी ज़्यादा हम सराहना करते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि इन्होंने आज प्लास्टिक कलेक्शन चैंपियनशिप यहाँ पर मनाई है, और जिसके ज़रिए में ये बताया गया, कुछ लड़कों को जो है, कुछ ग्रुप्स को एक टास्क दिया गया था जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जमा करके लाएगा और उसे यहाँ पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो प्लास्टिक का ढेर जमा हुआ है, ये मानसबल जो टूरिस्ट प्लेस है, मैं कहूँगा यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हो, ये सारा इकट्ठा इन बच्चों ने किया, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, ये सारा प्लास्टिक उन्होंने इकट्ठा किया और आज यहाँ पर उनके जो स्टाफ मेंबर आए उन्होंने उनको अवार्ड से भी नवाजा। सर, इस तरह की पहल, एक अलग तरीके की पहल करना और पूरे मानसबल को बच्चों ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही साफ कर दिया, कैसे देखते हैं? एक्चुअली जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका मोटिव यही होता है कि सेव द एनवायरनमेंट। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसके तहत हमने एक चैंपियनशिप, प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की और हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया। ये गेम भी था और उसके साथ साथ इसमें कलेक्शन प्लास्टिक भी की, और इनमें जो सबसे पहले जो ग्रुप आया तो हमने उनको फर्स्ट ट्रॉफीज दी, सेकेंड एंड थर्ड ट्रॉफीज दी। तो मेन मोटिव यही था, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। सर, ये वो एक ऐसी जगह है मानसबल जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर इतना कचरा अगर यहाँ पर निकल सकता है तो बाकी जो जगह हैं उनकी बात क्या करेंगे? कचरा देख लिए, वेस्ट जहाँ पे भी इंसान होगा वहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है। अब यही कोशिश करनी है कि हाउ वी कैन मिनिमाइज इट। तो एक इनिशिएटिव था GDC गांधरबल की तरफ कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, वी कैन कह सकते हैं कि प्लास्टिक फ्री कैसे रख सकते हैं। तो मेन जो गोल था इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट वाज टू बीट द प्लास्टिक। तो उसी स्लोगन के तहत हमने प्लास्टिक कलेक्ट किया फ्रॉम द एंटायर वाटर बॉडी। यस सर, सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है डिग्री कॉलेज गांधरबल से, जो हमने ये हमारी टीचर्स ने इधर हमें लाया, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा, हमने अभी तक बहुत अच्छे से सफाई कर दी है, अब हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और हमें अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी कूड़ा करकट दिखे वो हमें उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए और हमें अपना माहौल साफ बनाना चाहिए। और मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, हमने मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, हमने यहाँ से सफाई करी है, हमें अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, हमें गंदा नहीं रखना चाहिए एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब अपने माहौल को साफ रखें, और मतलब जैसे कि हम डिग्री कॉलेज गांधरबल वालों ने ये स्टेप उठाया, हम चाहते हर कहीं जो भी कोई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे भी ऐसा ही हो, हर रोज़ इस तरह का काम होना चाहिए, कहीं पे भी गंदगी दिखी तो हमें वहाँ से साफ करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज एनवायरनमेंट डे है जिसका मकसद ये है कि हमारे माहौल, आसपास का माहौल साफ रहना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि न कि स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे ही अपनी जगह सफाई का ख्याल रखें तो बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। बहुत ही अच्छा लगा आज हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, हमारे टीचर उस्तादीजा हमारे सब साथ थे, और यहाँ पर हमें मानसबल के इस पार्क में हमने जो सफाई की, हमें इससे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और यहाँ पर काफ़ी गंदगी थी, हमने इसे साफ भी किया, और अब हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि हमने यहाँ पे सफाई की और अब हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून। तो आज डिग्री कॉलेज गांधरबल की जानिब से यहाँ वेस्ट कलेक्शन, ये प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन चैम्पियनशिप मुनक्किद की जा रही है। इसमें हमने बच्चों को एक इंसेंटिव दिया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करेगा इस विसिनिटी में, जो मानसबल है, जो एक हेल्थ रिजॉर्ट है, एक लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट फुटफॉल होता है यहाँ, तो यहाँ बहुत सारा मतलब ये वेस्ट भी फैलाते हैं। तो उस ज़िमन में हमने सोचा कि कैसे हम बच्चों को अट्रैक्ट करें कि, और एक मैसेज भेजें कि ये प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो कैसे इसको हम इस मतलब ये एक वबा है जो, इसको कम करें और हम कलेक्ट करके अपना एक एफर्ट दे दें।